बिल्कुल ही खाली हो चुकी है, फुल पावर पर सेट कर देता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है मेरी डेली व्लॉगिंग का 23वां दिन, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब जाके मुझे टाइम मिला है अपने व्लॉग को शूट करने का। सुबह से इतना बिजी था ना कि क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह एक होलसेल वाले भैया आए थे जिनसे कि ये देखो मैंने इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद ली है और अब फटाफट से इन सभी को फ्रीजर के अंदर लगा देते हैं। वैसे मुझे अभी शक्कर के पैकेट भी बनाने हैं और साथ ही में टोस्ट भी खरीदे, तो इनको भी यहाँ पर लगाना है। दुकान में बहुत सारा काम बाकी है तो चले एक एक करते सभी कामों को करते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सभी कोल्ड ड्रिंक को फ्रीजर के अंदर लगा देता हूँ। ये देखो फ्रिज की हालत अभी कुछ ऐसी है। तो गाइस, मैंने इतने सारे शक्कर के पैकेट बना लिए, तो चलिए फटाफट से इन सबको इसकी सही जगह पर रखते हैं। तो चलिए गाइस, अब इन टोस्ट के पैकेटों को लगा देते हैं एकदम यहाँ पर। ये रहा बॉक्स। तो इनको यहाँ पर लगाना है मुझे। थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर भी ये टोस्ट के पैकेट भी रखने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही हमारा ये वाला काम भी पूरा हो चुका है। मैंने कुछ टोस्ट के पैकेट कुछ इस तरीके से लगाए जैसे कि कस्टमर को सामने की तरफ से ये दिखने चाहिए। गाइस, ये टॉफी का बर्नर बिल्कुल खाली हो चुकी है, ये देखो बिल्कुल ही खाली हो चुकी है। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत है, इसके अंदर भी, और ये तो बिल्कुल खाली हो चुके। तो चलिए फटाफट से इसके अंदर नई वाली टॉफियों को लगा देते हैं। ये देखो मेरे पास इतने सारे टॉफी के पैकेट हैं, तो इसको फटाफट से बर्नियों के अंदर भर देते हैं। तो ये रही सबसे पहली वाली जार, तो इसके अंदर ये वाली टॉफी को डालते हैं। अब डालते हैं ये वाली चॉकलेट। ये देखो गाइस, मैंने सभी के सभी टॉफियों के बर्नी को एकदम खचाखच भर दिया है और अब इन सबको रखते हैं इनकी सही जगह पर। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही सारी की सारी आप बर्निया देख सकते हो एकदम खचाखच भर दिए। तो गाइस, शाम के 7:30 बज चुके हैं और एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। सुबह से हमारे यहाँ बिजली ही नहीं, सिर्फ मेरा इन्वर्टर का ही लाइट चालू है और मैंने दुकान के अंदर के सारे बल्ब बंद कर दिए। लेकिन सुबह से इन्वर्टर चालू है इसलिए उसमें भी थोड़ी सी चार्जिंग बाकी है और पता नहीं लाइट कब आएंगी। यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है दुकान में जब जब बिजली नहीं आती, मुझे तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है और इसीलिए मैं कभी कभी आइसक्रीम लेने से पहले सोचता हूँ कि लूँ या फिर नहीं। रिस्क काम है यार थोड़ा सा। चलो कोई ना, इंतजार करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बिजली आ जाए, नहीं तो यार अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा यार। वैसे भी फ्रिज के साइड में ये देखो इतनी मोटी बर्फ बाकी है, लेकिन धीरे धीरे ये भी पिघलने लगी। अगर आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी पानी इसको छूटने लगा है। और मेरा जो फ्रीजर है ना, उसकी कैपेसिटी लगभग 8 घंटे, यानी कि बिजली जाने के बाद लगभग 8 घंटे तक वो सेट रहता है आइसक्रीम को, लेकिन धीरे धीरे आइसक्रीम भी पिघलने ही लगते हैं। तो गाइस, रात के 9 बज चुके हैं और फाइनली अब जाकर कर हमारे यहाँ बिजली आ चुकी है। यार, बिजली आने के बाद मेरा टेंशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जब बिजली गई थी मेरा टेंशन बहुत ही बढ़ गया था, क्योंकि पिछले 5-6 घंटे से हमारे बिजली नहीं थी और मेरा टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। और ये देखो फ्रीजर की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, यहाँ पर आपको देख सकते हो पानी पानी दिख रहा होगा, यानी कि इसके अंदर जो बर्फ था ना वो धीरे धीरे पिघलने लगा था। लेकिन कोई ना, अब बिजली आ चुकी है इसलिए मैं फटाफट से बंद कर देता हूँ और फ्रीजर को एकदम फुल पावर पर सेट कर देता हूँ। इसको भी फुल सेटिंग पर कर देते हैं, ठीक है, ये भी एकदम फुल ऑन हो गया। तो चलो अब जाकर मेरा एक टेंशन कम हो गया। तो चलो, अब मैं पिछले अपने एक हफ्ते के सारे बिल को अपने इस व्यापार ऐप में अपडेट करता हूँ, क्योंकि इन सारे बिल को मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है यार। लगभग मेरी दुकान में लगभग 600 से ज्यादा आइटम्स है और इनको मैनेज करना, मैन्युअली मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत की बात है इसीलिए। तो चलिए फटाफट से मैं सारे बिल को अब इसमें अपडेट करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग में इतना ही। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा था क्योंकि आज मैं दिन भर बहुत ही बिजी था, क्योंकि दुकान के सामने एक शादी थी तो बार बार कस्टमर आ रहे थे जिस कारण मैं व्लॉग शूट कर नहीं पाया। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग में इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।